कहते हैं जब नियत साफ हो तो लक्ष्य भी आसान हो जाता है। ऐसा ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने कर दिखाया, जो आजादी के बाद कोई भी पार्टी नहीं कर पाई। दिल्ली में मुफ्त बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव तो हुए ही, साथ ही सरकारी स्कूल के बच्चों के साथ साथ टीचर्स भी अब यूपीएससी की परीक्षा पास कर ऑफिसर्स बन रहे हैं। दरअसल 2019 में दिल्ली की आयुषी दबास ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की परीक्षा पास कर स्कूल में पढ़ाने लगी। वहीं अब दृष्टि बाधित होने के बावजूद उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग के सिविल सेवा परीक्षा पास कर मिसाल कायम की है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय दिल्ली सरकार की योजनाओं को दिया है। जी, इन सब इम्प्रूवमेंट से, इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट से, और मैंने आपको पहले भी बताया, हैप्पीनेस इंटर ईएमसी और देशभक्ति और बुनियाद मिशन, ये जो भी तमाम जो कार्यक्रम चल रहे हैं दिल्ली सरकार के, वो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट लाते हैं, एनकरेज करते हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। और मैं बताऊं सर आपको, मेरी क्लास में कुछ बच्चे खुद अभी से उनके आंखों में सपना है कि मैम हम भी आईएएस ऑफिसर बनेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है सर कि हमारे स्कूल के बच्चे आज आईपीएस आईएएस और ये सब बनना चाह रहे हैं। मैं हिस्ट्री पढ़ाती हूँ उनको, तो कुछ बच्चे मुझे कहते हैं कि मैम मैं इस टॉपिक पर रिसर्च करना चाहूँगी आगे जाके। तो ये मैं बहुत बड़ी सफलता है सर। आयुषी की तरह लक्ष्य आनंद भी एक गरीब परिवार से हैं। उन्होंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है और अब यूपीएससी की परीक्षा पास कर भारतीय विदेश सेवा का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मेरा नाम लक्ष्य आनंद है। मैंने राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय सूरजमल विहार से अपनी 11वीं और 12वीं की शिक्षा प्राप्त की। मेरे पिता पहले एक मजदूरी का काम करते थे एक फैक्ट्री में, विश्वास नगर शाहदरा में। मेरी माँ एक गृहिणी हैं। मेरी हॉबीज़ हैं किताबें पढ़ना, अलग अलग भाषाएं सीखना, खत लिखना और कविताएं लिखना। मेरी बचपन से ही स्कूली शिक्षा जो है वो सरकारी स्कूल से हुई है। मैं 11वीं और 12वीं में राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय सूरजमल विहार दिल्ली से पढ़ा हूँ विज्ञान विषय लेकर। उससे पहले भी मैं एक सरकारी स्कूल मुखर्जी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिशाट गार्डन में था। दिल्ली की केजरीवाल सरकार पिछले कई सालों से यूपीएससी मोटिवेशनल स्पीकर सीरीज चला रही है, ताकि दिल्ली से सरकारी स्कूलों के बच्चों का हौसला बढ़ाया जा सके। इसमें आईएएस पीसीएस अधिकारी दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चों से संवाद करते हैं। इसके परिणाम भी सकारात्मक रहे हैं। हर बच्चे को आईएएस बनने के बारे में कि कैसे बना जा सकता है, क्या करने की जरूरत है, अपनी पर्सनैलिटी से लेके अपनी पढ़ाई तक में क्या करने की जरूरत है, और आज से ही क्या करने की जरूरत है जब आप 9, 10, 11, 12 में पढ़ रहे हैं, तभी से क्या करने की जरूरत है जब आप इंजीनियर बन जाएं, उसके बाद आईएएस की तैयारी करें, वो एक घटना है, बहुत सारे लोग करते रहेंगे। लेकिन हमारे 9, 10, 11, 12 में पढ़ने वाले 6 लाख बच्चों में से जो जो ये सपना देखता है कि मुझे बड़ा होके थोड़ा आगे जाके यूपीएससी की तैयारी करनी है, हर उस बच्चे को ये क्लैरिटी रहे, क्रिस्टल क्लियर रहे कि आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए, यूपीएससी के एग्जाम देने के लिए करना क्या है, अपनी पर्सनैलिटी में, अपनी थॉट्स में, अपने लाइफस्टाइल में, अपनी पढ़ाई में, अपने मार्क्स में, आपने मार्क्स की काफ़ी बात की, स्कोर्स में या इन डेप्थ में किसी भी सब्जेक्ट की क्या करना है, ये क्लैरिटी रहनी चाहिए। ये एक पर्पज है। लेकिन मैं एक और पर्पज की भी बात करूंगा। आईएएस बनना भी कोई पर्पज नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों से बेहतर किया है। यही कारण है कि कई दूसरे राज्यों के नेता और मंत्री भी दिल्ली सरकार के स्कूलों को देखने के लिए आते हैं, ताकि वहां के स्कूलों को भी दिल्ली की तर्ज पर सुधारा जा सके। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।